हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड नेम जानेंगे ट्रिग मीन्स होता है दिखाई दे रहा है। क्लियर शंकुन त्रिभुज दिया गया हुआ है। शंकुन त्रिभुज की भुजा को कुछ अनुपातों का अनेक न्यूनतम के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। इस अनुपात को हम कोणों के त्रिकोणमितीय का अनुपात कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे कि एक शंकु त्रिभुज दिया हुआ, शंकु त्रिभुज दिया हुआ, संपूर्ण कुंडली के सामने जो ये संपूर्ण संपूर्ण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। और कोण ए से लेंगे तो कोण ए की सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये भी क्या कहलाएगा? आधार। और ये भी क्या हो गया? आधार। ठीक है बच्चे। इतना समझ गया ना? तो जैसे एक और है, अब आप लोग मन विचार आ रहा होगा सर कौन सी से लेंगे तो कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन सी आधार होगा। आइए वो भी बताते हैं ताकि आप लोग मन में कोई डाउट ना रहे। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी क्या हो? संपूर्ण। अब हम कौन सी लेंगे? जैसे कि यहां बताए थे कौन ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो उसी तरह कौन सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये लंब। ठीक है। और ये आप लोग अभी बताए संकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये बीसी क्या हो गया?
था जहां दिखाई दे रहा आपको। चलिए ठीक है, आधार का दूसरा नाम है सल्लम भुजा होता है। आधार का दूसरा नाम सल्लम भुजा। आधार का दूसरा नाम क्या होता है? सल्लम भुजा। अब लंब, लंब का दूसरा नाम होता है समूह। दूसरा नाम क्या होता है? समूह भुजा।